अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ तुलबा व तालबात, अगर आप लोग स्टडी में वीक हैं लेकिन फिर भी आप लोग 900 प्लस मार्क्स मैट्रिक में से लेना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मैं आप लोगों को इसकी गारंटी देता हूँ। मेरी हर वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको तैयार करें, और मेरी हर वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिससे हर वो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले सकता है। जो कुंसिन है या जिसको ज़्यादा सिलेबस याद नहीं होता वो शॉर्टकट मटेरियल से इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स टोटल 15 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग 15 लॉन्ग क्वेश्चन को 2020 सेशन की जो पेरिंग स्कीम है इसके मुताबिक तैयार करें। इसका मतलब ये है कि जिस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता आप लोग वो लॉन्ग क्वेश्चन ना तैयार करें, ये जो 15 क्वेश्चन है बाकी आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लें, क्योंकि मैंने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं ये पूरी बुक में से बनाए हैं, पेरिंग स्कीम के मुताबिक आप लोग इनको तैयार कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट इन बेसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएबल, राइट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन JW बेसिक। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएबल्स, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोज़ पहले अपलोड कर दी हैं, 9th क्लास 10th क्लास उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम कंप्यूटर साइंस, आप लोग वो वीडियोस भी मेरे इस चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन GW बेसिक एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोड ऑफ ऑपरेशन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। अगर अभी तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आप लोग रेड कलर का एक बटन होगा इसको आप लोग दबा दें, साथ एक घंटी का साइन होगा इसको भी आप लोग क्लिक कर दें, और मेरी इस वीडियो को अभी से आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के गेस्ट पेपर बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। स्टूडेंट्स आप लोग हमें अप्रिशिएट किया करें ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरीन वीडियो लेकर हाज़िर होते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ लूप, एक्सप्लेन फॉर नेक्स्ट लूप एंड व्हाइल वेंट लूप। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लूप, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। आठवां क्वेश्चन है, डिफाइन ग्राफिक्स, आल्सो एक्सप्लेन ग्राफिक मोड्स। नौवां क्वेश्चन है, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन बेसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बुक पे आप लोग टिक करते जाएं। दसवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीबगिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स अकर्स इन अ प्रोग्राम। ग्यारहवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एरर्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। एरर्स क्या है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आप लोगों ने बतानी है। बारहवा क्वेश्चन है, डिफाइन अल्गोरिथम, राइट डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर मेकिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के मुख्तलिफ जो असूल ज़वाबत हैं वो आप लोगों ने लिखते हैं। तेरहवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्क्रीन स्टेटमेंट, आल्सो राइट डिफरेंट स्क्रीन मोड्स विद डिटेल्स। चौदहवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इंतखाब की साख्त क्या है, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करनी है। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन इफ देन एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और इसका सिंटैक्स लिखना है। ये तो थे स्टूडेंट्स टोटल 15 लॉन्ग क्वेश्चन, पेरिंग स्कीम के मुताबिक इनको तैयार करें, और स्टूडेंट्स मेहनत के साथ अभी से तैयारी करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप लोग छोड़ दें, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक चीज़ स्टूडेंट्स आप लोग जहन में रख लें, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ साथ अपने क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह तैयार करें, और अभी से आप लोग क्वेश्चन लिख लिख कर देखें
मार्कर का यूज़ कैसे करते हैं ये भी आप लोग सीखें, तो प्रेजेंटेशन अच्छी के साथ आप लोग अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।